आज हम आपको टेपिंग के बारे में बताना चाहते हैं, कैसे हम टेपिंग करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या क्या इसमें डिफेक्ट आते हैं। हम तीन टाइप की टेपिंग का यूज करते हैं। ये लॉकिंग टाइप टेप है वाइट कलर की, ये ब्लैक इन है लीकेज को रोकने के लिए और जॉइंट पर लगाने के लिए, और ये आइडेंटिफिकेशन टाइप है पहचान के लिए कि हमने कौन सी वायर लेफ्ट राइट के लिए प्योर करना है। आप ब्लैक टेप का यूज इस्तेमाल करेंगे, इस पर लगा के दिखाएंगे कि हमें यहाँ पे कैसे लगाना है और इसका काम क्या है लगाना। इस पे पाइप में ये देखना है कि टेपिंग अच्छी तरह टाइट हो, लूज नहीं रहनी चाहिए। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि इसके अंदर पाइप के अंदर पानी ना, इसमें ये है कि पाइप हिलेगा नहीं, आगे पीछे नहीं मूव नहीं करेगा और इसके अंदर पानी भी लीक नहीं करेगा। ये फर्स्ट कपड़े की तरफ लगाना है। दूसरा है हमारा, ये इसमें जॉइंट लगे हुए हैं पीवीसी के अलग अलग टाइप में, यहाँ पे भी टेपिंग करनी है कि पाइप हिले ना। इस पे टेपिंग इससे बिल्कुल टाइट और इसमें पाइप हिलना नहीं चाहिए। यह हमारा पीस है, दोनों तरफ टेपिंग हो चुकी है। इसमें पाइप इस बिल्कुल टाइट टेपिंग की गई है कि इसके अंदर पानी ना जाए। दूसरा इधर टेपिंग की गई है कि पाइप फिक्स रहे अपनी जगह से, हिले ना। अब हम वाइट टेप का इस्तेमाल करेंगे। ये किस काम आती है ये हम आपको दिखाएंगे। वाइट टेप लगाना इस पे कहाँ कहाँ पे कैसे इसको गेजिंग से करते हैं। टेपिंग करने के लिए हमने लकड़ी का एक गेज बना के रखा है जिसमें हमने डायमेंशन लिख रखी है 30 mm की, 40 की, फिर 40 की, फिर 65 mm। हम पीस को उसके ऊपर रखेंगे और टेपिंग करेंगे कि हमें कितनी दूरी पर उसको टेपिंग करनी है, कैसे उसको डिफाइन करना है कि कितने सेंटीमीटर पर लगी है टेपिंग। ये हमारी फर्स्ट साइड टेप लगी है 40 mm की। ये 40 mm की हमारी mm की टेपिंग की जो विड्थ है 40 mm की है, जो डिस्टेंस है हमारा 65 mm का है। अब सेकंड लगी है हमारी 30 सेंटीमीटर की, डिस्टेंस हमारा 40 है। जैसे हमारा ये पीस टेपिंग लग के रेडी हो गया है, हमें इसको कहाँ पे फिट करना है हम आपको फिट करके दिखाते हैं। ये हमारी हाउसिंग है, ये हमारी हाउसिंग है, ये टू व्हीलर का पार्ट है, इसके अंदर ये वायर हार्नेस का इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको इसमें अब फिट करके दिखाता हूँ हमारा पीस कैसे फिट होता है। इस पार्ट के अंदर ये ओरिंग लगती है जो लीकेज रोकने के काम आती है, वाटर लाइट के अंदर नहीं जाता है। इसमें हवा हुआ, ये वाटर जो लीकेज प्रॉब्लम होती है इसी की वजह से होता है। जब इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आएगी तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। पानी को रोकने के लिए ओरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल टाइट और फिट हो जाती है ये। अब मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ ये कहाँ पे कैसे फिट होता है। ये ऐसे घुमाने पर ये लॉक हो गया है। उसके बाद हम दूसरा होल्डर लॉक करेंगे। ये शॉर्ट मोल्ड हो गया तब भी हमें इसमें लॉक करने में प्रॉब्लम आएगी। इधर यहाँ पे लॉक हो गया है। अभी इसका ये तीसरा पार्ट है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद हमने जो टेपिंग लगाई है वाइट वाली वो लॉक हो जाएगी इस लॉक में। ये हाउसिंग बना हुआ है इसका अलग से लॉकिंग के लिए, ये वायर यहाँ पे लॉक हो जाएगी। दूसरी टाइपिंग है वाइट वाली जो होल्डर के पास लगी है वो दूसरे यहाँ पे लॉक हो जाएगी। उसके बाद ये तीसरी टेपिंग हमने करी थी ये यहाँ पे लॉक हो जाएगी।
ऐसे करके हम पूरे असेंबलिंग होती है हाउसिंग के अंदर, वाइट टेप जहाँ जहाँ हमने वाइट टेप लगाई है वहाँ पे ये लॉगिंग हो चुकी है। अभी हम आपको आइडेंटिफिकेशन टेप का इस्तेमाल करके बताएंगे हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। हमारे पास ये हमारे चार पार्ट हैं, ये हमारे फ्रंट के हैं, ये हमारे रियर हैं, जो हमारे जो बाइक में डिपर होते हैं लेफ्ट राइट, जो ब्लिंक इसको हम ब्लिंकर बोलते हैं, लेफ्ट राइट पार्ट होते हैं हमारे। ये हमारे पीछे पार्ट हो गए, जैसे ये हमारे आगे पार्ट हो गए। इसमें हम टेपिंग करते हैं पहचान के लिए कौन सा पार्ट आगे लगेगा बाइक में, कौन सा पार्ट पीछे की तरफ लगेगा। अब हम आपको आइडेंटिफिकेशन टेप इस्तेमाल करके बताएंगे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, कितना हम टेपिंग करते हैं, कितना डिस्टेंस हम लगाते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेप के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे, तो हमने 10 mm पर लगानी है या 20 mm पर लगानी है। अभी हम टेपिंग करके दिखाएंगे आपको कितने सेंटीमीटर पर हमें लगानी है। जो हमारे फ्रंट वाले होते हैं उसमें हम दो दो जगह पर टेपिंग करते हैं, एक 20 mm पे, एक 10 mm पे। जो हम इसको चेक करेंगे स्केल से ही चेक करेंगे और वर्नियर से इसको लगाएंगे। ये हमारी 20 mm पे लगी हुई है, ये हमारी 20 mm पे है, ये हमारी आगे वाली 10 mm पे है। ऐसे करके हमने चारों पार्ट में टेपिंग करनी है, लेकिन जो हमारे जो फ्रंट वाले होंगे उसमें हमने दो टेपिंग करनी है, जो हमारे जो रियर होगा उसमें वन साइड यानी सिंगल टेपिंग ही होगी। अभी इन दोनों साइड टेपिंग हो चुकी है, ये हमारा फ्रंट का हो गया है, ये हमारा रियर। बाइक में जब लगेगा ये पीछे की साइड लगेगा और ये आगे की तरफ लगेगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन टेप होगी कि ये आगे की तरफ लगेगा, ये पीछे की तरफ। ये सिंगल हो गया है, ये डबल साइड टेप हो गया है। अब आपको हम जॉइंट के बारे में बताएंगे। हमारे कई पार्टों में अर्थिंग के लिए एक ही वायर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें लगता है हमारा जॉइंट। ये इस प्रकार से जॉइंट टर्मिनल लगता है, इसमें कई तारों को इकट्ठा क्लिंप किया जाता है। इस पर भी हम टेपिंग करते हैं कि कहीं ये स्पार्किंग ना कर ले, किसी पार्ट से टच ना हो जाए या बाइक के पार्ट के साथ टच ना हो जाए, जिससे हमारी स्पार्किंग हो सकती है, बाइक में आग लग सकती है, या फिर हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो सकता है, जिससे हमारे आगे दिक्कत आ सकती है कि हमारा टेलम लाइट ना जले या फ्रंट की लाइट ना जले, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हमारा टेलम लाइट नहीं जली तो हमारा पीछे से जो बाइक आ रही है वो हमारा ब्रेक से लाइट नहीं जलेगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, जो हमारी लाइफ सेफ्टी में प्रॉब्लम आ सकती है। ये हमने जॉइंट पर टेपिंग की है, इसको अच्छी तरह से सील कर देना है कि कहीं ये दूसरी पार्ट्स के साथ टच ना हो जाए, और इसको टेपिंग को कभी भी लूज नहीं छोड़ना है। यदि हमने लूज छोड़ दिया तो ये एक दो दिन के बाद अपने आप ही उतर जाएगी। और जब ये टेपिंग करते हैं तो हमें
तीन से या चार चक्कर इस पे लगाने हैं, फेरे देने हैं इसके ऊपर। यदि हमने कभी किसी पार्ट पर टेपिंग करनी है तो हमें उसका पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, और उसमें कौन से कलर की टेपिंग करनी है ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें सुपरवाइजर या हमारे जो WI लगी होती है, वर्क इंस्ट्रक्शन लगी होती है, कार्य निर्देश जो लगे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें टेपिंग करनी है।